बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं जागे तो बर्बाद हो जाऊंगा। अभी क्या है, ऑनलाइन के जरिए बहुत सारी ठगी हो रही है सोशल मीडिया पे। ठगी इस बात की हो रही है जो हमारे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट किए हैं या 12th किए हुए हैं, उनको एक नौकरी का एक चस्का होता है या नौकरी का एक लालसा होती, इच्छा होती है बढ़िया नौकरी मिले। तो आजकल लोग नौकरी देने के नाम पर और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, और वो कहते हैं आपको बिना कुछ लगाए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको घर बैठे काम मिलेगा और आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, महीने में जितना चाहो उतना कमा सकते हो, अनलिमिटेड पैसा है, इस तरह के ऑफर देते हैं और लालच देते हैं लड़कों को। तो इसमें क्या है, जो नौजवान होते हैं वो नए नए होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फंस जाते हैं। और उसके बाद वो कंपनीज क्या करती है, फॉर्म भेजती हैं व्हाट्सएप पे और कहती हैं आप इसका एक काम करिए, इसमें 1500 रुपये या 2500 रुपये या 3000 रुपये जमा करिए, ये आपकी एक एप्लीकेशन फीस है, इसके जरिए ही आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जगह मिल पाएगी और आपको यही देना है और बाकी लाइफ में कुछ नहीं देना है, लेकिन अगर आप ये नहीं देंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जगह नहीं मिलेगी। और लड़के क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं और वो 3000 रुपये या 2500 जो भी फीस होती है वो लोग रखते हैं, वो दे देते हैं। कुछ मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जिनके लिए 1000 रुपये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो अपने पिताजी से या अपनी माँ से लेते होंगे और 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक वो जमा करके देते हैं। होता क्या है, इन भी वो कंपनी क्या करती है, बच्चों को और अभी तरफ खींचने लगती है क्योंकि उनका पैसा वहां पर इतना पहुंच चुका होता है। तो जब इतना पैसा पहुंच जाता है वो धीरे धीरे और भी पैसा लेना चाहती हैं। तो कुछ लड़कों से वो धीरे धीरे 3000 से लेकर 30000 तक, 50000 तक हर बच्चे से वसूल लेते हैं और ऐसे ही वो करोड़ों रुपए करोड़ों बच्चों से वसूलते हैं और उनका वहां पर अरबों रुपए के हिसाब से हिसाब किताब बन जाता है। तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है दोस्तों। जितने भी हमारे भाई बहन जो नौजवान हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है और बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जय